तो हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको कौन कौन सी गाड़ियाँ अब नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल ही इग्नोर करना चाहिए, उनको लेने से बचना चाहिए आपको। तो टोटल 10 गाड़ियाँ मैंने ऐसी पिक की हुई हैं जो कि अब आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, जो टोटली वेस्ट ऑफ मनी है और आपको एक बेटर बेटर वैल्यू प्रोवाइड नहीं करने वाली है। तो सबसे पहले जिसका नाम ले रखा है हमने, वो है MG की हेक्टर प्लस। हाँ, MG हेक्टर प्लस, वो ये वही गाड़ी है जो कि MG हेक्टर जो 5 सीटर आती है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, बस सब कुछ डायमेंशन सेम है, इंजन सेम है, सब कुछ सेम होने के बाद बस एक थर्ड रो एक्स्ट्रा बढ़ा दी है जो कि प्रैक्टिकली यूजेबल नहीं है। ओनली किड्स को बिठा सकते हो आप, और वो भी किड्स भी मतलब 14-15 साल से छोटे के, ज़्यादा हाइटेड किड्स भी नहीं बिठा सकते हो, और एडल्ट का बैठना तो नामुमकिन ही है। और थर्ड रो एक्सेस करने के बाद में आपको बोर्ड स्पेस भी नहीं मिलने वाला, सेम इंजन ऑप्शंस के साथ में आती है, 2 लीटर का जो हैरियर शेयर करती है, कंपास शेयर करती है, और भी बहुत सारी गाड़ियाँ शेयर करती है। आपको लेनी है 5 सीटर में जाइए, 7 सीटर में जाना है तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। अभी XUV 700 आ गई है, टाटा सफारी है और अल्काजार है, काफ़ी ऑप्शंस आपको 7 सीटर के लिए मिल जाते हैं, इनोवा है। तो आपको 7 सीटर के लिए इस गाड़ी पे नहीं जाना चाहिए जो कि बहुत ही ओवर प्राइज है और जो अपनी वैल्यू को जस्टिफाई नहीं करती है, तो ये गाड़ी आपको टोटली इग्नोर करनी चाहिए। अब सेकंड गाड़ी है जो है रेनॉल्ट डस्टर। अब डस्टर एक जमाने में मतलब इसका कोई तोड़ नहीं था किसी गाड़ी के पास में, जो ये 10 से 20 लाख का जो सेगमेंट है, अभी जो क्रेटा सेल्टोस वगैरह ये सब जो रूल कर रही है इस सेगमेंट पे, उस सेगमेंट को जन्म देने वाली डस्टर ही है। और डस्टर एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट रहा है, बस वो कंपनी की स्ट्रेटेजी के चक्कर में उस गाड़ी की ऐसी की तैसी हुई है, क्योंकि कंपनी ने कोई अच्छी प्लानिंग नहीं की नहीं आगे फ्यूचर के लिए उसको लेके। उनको लगता था कि मार्केट हमेशा ऐसे ही रहने वाला है, कभी भी उन्होंने एक मेजर अपडेट डस्टर को नहीं दिया जो कि वो डिजर्व करती थी, और एक बहुत ही बेहतरीन गाड़ी थी। 1.3 लीटर टर्बो टार्जर डीजल इंजन के साथ आती थी जो कि मतलब मक्खन था। उस सेगमेंट में कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं थी जो उसको कम्पीट कर पाती, इवन जो ऑलमोस्ट उनके 1.5 लीटर डीजल अभी आ रहे हैं 15-20 लाख में, उसको उससे भी बहुत अच्छा था वो इंजन, 1.3 टर्बोचार्ज डीजल इंजन। कंपनी की खराब स्ट्रेटेजीज की वजह से इस गाड़ी का मार्केट इंडिया में ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, बहुत ही ना के बराबर इसकी अभी सेल्स होती है। तो आपको ये लेने से बचना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में कंपनी ये कोई भी बड़ा अपडेट नहीं देने वाली है, और ये हो सकता है कुछ टाइम के बाद डिसकंटिन्यू भी कर दी जाए, क्योंकि जबरदस्ती मार्केट में खींचने का मतलब है नहीं। और थर्ड नंबर पे जो हमने गाड़ी रखी है वो है महिंद्रा स्कॉर्पियो। रुको रुको, गाली मत देना, पहले पूरा सुन लो उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ। महिंद्रा स्कॉर्पियो पुरानी वाली जो कि अभी चल रही है और बहुत अच्छे खासे डिस्काउंट्स पे बेच रहे हैं डीलर्स, क्योंकि जो स्टॉक पड़ा है वो उन्होंने क्लियर करना है, क्योंकि अगले साल दस्तक देने वाली न्यू स्कॉर्पियो, तो उसके चलते बहुत भारी भरकम डिस्काउंट्स वगैरह दे रही है डीलर्स की, जो स्टॉक पड़ा है उनका वो क्लियर हो जाए। अब लोग जनरली करते क्या है कि अभी उनको कोई 15-18 लाख की गाड़ी खरीदनी है, उस पर 2 से 3 लाख का 2.5 लाख का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि बहुत अच्छी चीज़ है, पर एक्चुअली वो चीज़ अच्छी नहीं है। हालांकि अगर आप बहुत ज़्यादा पुराने वाले जनरेशन के बहुत ज़्यादा डाई हार्ट फैन है तो स्कॉर्पियो ले सकते हो, अदरवाइज आपको अगर एक फ्रेश गाड़ी चाहिए, नई गाड़ी चाहिए, तो आपको वेट करना चाहिए 1 साल का, अगले साल ही इसका न्यू जनरेशन आने वाला है। और ये महिंद्रा स्कॉर्पियो जब से 2002 से लॉन्च हुई है तब से लेके अभी तक तो कोई भी मेजर अपडेट नहीं आया है इसमें, बस नॉर्मली छोटे पूरे फेसलिफ्ट होते रहे हैं, अब जाके इसको एक प्रॉपर न्यू जनरेशन मिलने वाला है फेसलिफ्ट, तो आपको वेट करना चाहिए। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप 15-18 लाख रुपये खर्च कर रहे हो तो आपको पुराने जनरेशन पे नहीं जाना चाहिए, आप थोड़ा वेट कीजिए, अगले साल ही लॉन्च होने वाला है बहुत जल्द, अब तब तक आपको वेट करना चाहिए इसका। और अगर आपने सपोज अभी ले ली पुराना जनरेशन, फिर नया 1 साल के बाद में, 1 साल में गाड़ी इतनी पुरानी तो होती नहीं है कि आप चेंज करोगे, 1 साल के बाद जब वो नया जनरेशन आप रोड पे चलता हुआ देखोगे तो आपके दिल में बहुत दर्द होने वाला है कि काश थोड़ा रुक गए होते तो एक अच्छी गाड़ी मिल गई होती। तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए नई स्कॉर्पियो को, डिस्काउंट्स के चक्कर में मत। फोर्थ नंबर पे जो गाड़ी है वो रखी है हमने सिट्रन C5। सिट्रन C5 एयरक्रॉस, अब एक्चुअली जो इंडियन मार्केट है, ये नई कंपनी आई है इंडिया में, जो पहला प्रोडक्ट इनका 2021 में 2021 में अभी लॉन्च उन्होंने किया है,
और वो भी इतना ओवर प्राइस लॉन्च किया है कि मतलब जिसका सेंस ही नहीं बनता। इंडियन कंज्यूमर ऑलरेडी मतलब जो वैल्यू फॉर मनी हर चीज़ में ढूंढते रहते हैं कि हमें हमें मतलब हमारे जो अमाउंट हम खर्च कर रहे हैं उसमें बेस्ट वैल्यू हम कहाँ से ढूंढें। और इस गाड़ी को लेके एक तो नई कंपनी है, अभी स्टेब्लिश इंडिया में भी अच्छे से नहीं हो पाई है, कुछ मेजर सिटीज़ में ही इसका मतलब शोरूम वगैरह है। तो उसके बावजूद और ये गाड़ी को मतलब 4 से 5 लाख रुपए ओवर प्राइस लॉन्च की है, मतलब कोई सेंस नहीं बनता है। और इस गाड़ी की ये कंपनी भी कब तक टिक पाएगी, अगर ये बेहतर प्रोडक्ट बहुत जल्दी लॉन्च नहीं की है उन्होंने तो ये कंपनी भी कब तक टिक पाएगी कब तक नहीं, तो ये भी कुछ पता नहीं है। तो आप फ्यूचर का सोच के ये गाड़ी पे भी मत जाना। हालांकि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, डिजाइन भी काफ़ी फ्रेश है, नया है, पर ओवर प्राइस बहुत ज़्यादा है। जो इसका टॉप मॉडल 38 लाख तक जाता है, जितने में आप फॉर्च्यूनर ले सकते हो भाई। तो और कंपास, इवन कंपास से ज़्यादा लॉन्च की है, मतलब तो सेंस ही नहीं बनता है। अब जो गाड़ी है 5 नंबर पे वो है टोयोटा फॉर्च्यूनर। अब ये नाम सुनते ही मतलब आधे लोग तो गालियां देने वाले हैं, पर पूरी बात सुन लो पहले। टोयोटा फॉर्च्यूनर का मैंने नाम इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये गाड़ी अपने वैल्यू से बहुत ज़्यादा ओवर प्राइज्ड हो चुकी है। कई कई सिटीज़ में तो 55 लाख तक ये गाड़ी टॉप मॉडल इसका पहुंच गया है। तो इसका जो टॉप एंड मॉडल है 4x4 लेजेंडर, वो 55 लाख को भी क्रॉस कई कई सिटी में कर गया है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से इस प्राइस को जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं करती है। जो फीचर्स इसमें आते हैं, इवन इसमें फीचर्स वगैरह तो कुछ होता ही नहीं है, बस आपको एक नाम मिलने वाला है। नाम इसका समझ लो ये नाम के से ही बिकती है। और मुझे ऐसा नहीं लगता जो इसको इसको प्यार करते हैं, इसको चाहने वाले हैं, वो अगर 1 करोड़ की भी हो जाए तो भी खरीदेंगे, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप एक स्मार्ट बायर हैं, पैसा वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और अपने पैसे को कुएं में नहीं डालना चाहते हैं, तो आप ये गाड़ी बिल्कुल भी कंसिडर मत करना। इससे अच्छा आधी प्राइस में आपको सफारी मिल जाती है, एक्सयूवी 700 मिल जाती है, तो आपको वेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करेगी और आपको रिसेल भी अच्छी देगी। तो ये गाड़ी भी मेरे हिसाब से बिल्कुल भी जस्टिफाई अपने प्राइस को नहीं करती है, तो आपको इसको इग्नोर करना चाहिए। नेक्स्ट गाड़ी जो है वो है आई सुजुकी डी मैक्स। अब ये गाड़ी भी मतलब इनका कुछ पता नहीं चल रहा है, ये लोग क्या करने वाले हैं इंडिया में। एक दो दो गाड़ियाँ इनकी हैं ऑलरेडी, तो भाई अगर पसंद है तो ले सकते हो, बाकी इनकी सर्विस वगैरह तो, और वो भी कॉस्टली भी है और बहुत कम जगह पे इनके शोरूम्स वगैरह हैं। आपको लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब मार्केट में बहुत एक्टिव नहीं है इतना ज़्यादा, मतलब क्या करना है आगे कुछ उनका प्लानिंग नहीं है, तो आप सोच लो लेना है या नहीं। मेरे हिसाब से इग्नोर करना चाहिए इसको भी। अब जो नेक्स्ट गाड़ी है वो है वोल्सवैगन टाइगन 7 सीटर, जो कि लॉन्च की थी, मतलब पहले 5 सीटर में लॉन्च की थी पर उसी को 7 सीटर बना दिया। अब इतना ज़्यादा महंगा, ये भी गाड़ी बहुत मतलब 40 लाख तक आती है और ये भी बहुत ज़्यादा ओवर प्राइज है। मेरे हिसाब से इसको भी आपको इग्नोर करना चाहिए। इतनी प्राइस के ऊपर जाते ही आपको बहुत सारे अलग अलग, आपको बहुत सारा कंपटीशन मिल जाएगा, अलग अलग गाड़ियाँ मिल जाएगी और अच्छे पैकेज के साथ में। तो मेरे हिसाब से इस गाड़ी को भी आपको इग्नोर करना चाहिए। इस गाड़ी जो हमने पिक की है वो है हुंडई की टूसोन। अब ये गाड़ी भाई जब से लॉन्च हुई है मेरे हिसाब से इस गाड़ी का कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आया ही नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइज है। क्रेटा आपको बहुत ही अच्छे पैकेज के साथ मिल जाती है, प्राइसिंग भी अच्छी है, इसलिए इतनी सेल्स होती है। टूसोन अभी ये लोग टूसोन के साथ करते हैं क्या, एक्चुअली इसका जल्दी जल्दी अपडेट नहीं देते हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट में 2 साल पहले ये अपडेट दे चुके हैं, पर यहाँ पे इंडिया में जो चल रही है वो पता नहीं कौन से ज़माने की चल रही है। और वो भाई साहब 30 लाख की मिलती है, समझ में आता है, मतलब 30 लाख की हुंडई की कार, और वो भी इतना पुराना मॉडल जिसमें कोई बेसिक जो न्यू टेक्नोलॉजीज वगैरह भी नहीं आती है। तो मेरे हिसाब से आपको इसको इग्नोर करना चाहिए। अब जो हमने 9th नंबर पे गाड़ी पिक की है वो है होंडा WRV। अब ये गाड़ी होंडा की तरफ से एक बेहतरीन प्रोडक्ट रहा है। एक टाइम पर जब ये लॉन्च हुआ था उस टाइम पे सबसे सस्ती सनरूफ देने वाली कार यही थी और बहुत ही हाईटेक फीचर्स थे उस टाइम पे, लेकिन टाइम के चलते इन्होंने अपग्रेड नहीं किया। अब इतने सारा कंपटीशन इस सेगमेंट में हो गया है कि ये गाड़ी में फीचर्स वगैरह कुछ भी नहीं बचा है, सब इससे आगे निकल चुके हैं। ये इन लोगों ने कुछ अपडेट ही नहीं किया, तो ये गाड़ी भी बहुत पीछे हो गई है। हालांकि प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, इंजन ऑप्शंस के साथ
में जो आती थी, दोनों ही इंजन होंडा के बहुत बेहतरीन थे, पर बिना अपडेट के चलते ये गाड़ी भी मार्केट से ख़त्म हो गई है, तो ये भी आपको इग्नोर करना चाहिए। अब लास्ट नंबर पे जो हमने गाड़ी पिक की है 10 नंबर पे, वो है महिंद्रा KUV 100। अब ये गाड़ी एक्चुअली आप कंसिडर कर सकते हो अगर आप अच्छी आपको अच्छी लगती है तो क्योंकि इस गाड़ी का भी कोई सेंस नहीं बनता, अभी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स आ गए हैं मार्केट में उस प्राइस रेंज पे और उसी पर्टिकुलर सेगमेंट में, तो इसको भी काफ़ी टाइम से कोई मेजर अपडेट मिला नहीं है और उसके सेल्स भी बहुत ही रेयर होते हैं, मतलब बहुत ही 10, 15, 8, 10 एवरी मंथ इसकी ऐसी सेलिंग होती है 4, 5। तो मेरे हिसाब से आपको इस गाड़ी को लेने से बचना चाहिए, शायद कंपनी प्लान कर रही है बहुत जल्दी इसको अपडेट में लाने के लिए, और इलेक्ट्रिक वर्जन भी KUV 100 का आने वाला है जो कि आने वाले टाइम में महिंद्रा की तरफ से आपको देखने को मिल सकता है। ये टोटल 10 गाड़ियाँ पिक की थी मैंने, और मेरे हिसाब से मतलब जो जो कि आज के टाइम में इनको लेना वर्थ नहीं है, पूरा पैसा वेस्टिंग है। अगर आपको आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपको कुएं में डालना है, तो जाके इन गाड़ियों में से कोई भी गाड़ी आप पिक करो, कोई टेंशन नहीं है, अदरवाइज इन गाड़ियों को लेने से आपको बचना चाहिए डेफिनेटली। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।